हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन अब हम ख़त्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन में ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें ये मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन आता है। इसके पहले हम क्या देखें कि कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग पोजीशन पे रख के ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। आपको अगर मिरर फार्मूला आता है और साइन कन्वेंशन आता है तो आप क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे, मतलब आसानी होगी आपको क्वेश्चंस लगाने में। तो देखते हैं मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो देखो मिरर फार्मूला क्या है, 1/F = 1/V + 1/U, ओके। तो ये एक फार्मूला है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ना है, वो हमें ट्वेल्थ में पढ़ना है, आगे पढ़ना है फिजिक्स में। तो अभी इसका कोई टेंशन नहीं, बस आप इतना समझ लो कि 1/F = 1/V + 1/U होता है। अब F क्या होता है, F हमारा है फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस की दूरी, फोकल लेंथ। V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, HI, यहाँ देखो एक मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन क्या है, -V/U = HI/HO, मैग्नीफिकेशन -V/U = HI/HO। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में क्या चीज़ है, देखो हम पढ़े हैं मैथ्स में पढ़े हैं कि x और y एक्सिस अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा चार क्वाड्रेंट में ये बटेगा, पार्ट हमारा चार, ये प्लेन जो है चार क्वाड्रेंट में बट जाएगा। तो ये प्लेन जो चार क्वाड्रेंट में बटेगा वो कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसमें अलग अलग चीज़ क्या है, अलग बात है क्या, देखो ये एक्स एक्सिस जो है और ये जो वाई एक्सिस है, इसके जो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लेते हैं ओरिजिन। क्या लेते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो जीरो जीरो पे रहेगा हमेशा, ओरिजिन हमेशा क्या रहता है, जीरो जीरो पे। ओरिजिन के अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जीरो के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3+ में आता जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव है, और ओरिजिन के पीछे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ओरिजिन के पीछे नेगेटिव है, वैसे ही ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाई नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव होगा एक्स और वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स का ये वैल्यू होगा, वाई का नीचे वाला वैल्यू होगा। तो ये है साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, साइन कन्वेंशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी हम जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो वैल्यूज़ दी रहेंगी, तो उस वैल्यूज़ को हमें साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। साइन के साथ पुट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। देखो इस ओरिजिन पे हम कॉनकेव मिरर रख रहे हैं, ठीक है, या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर में कोई मिरर भी हम सब इसी ओरिजिन पे रखेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो पोल से जा रहा है और फोकस से जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो फोकस इसका इधर ही क्यों पड़ रहा है, उसके लिए मैंने बताया था कि ये कॉन्केव मिरर है, तो इधर कंप्लीट होगा सर्कल, इधर सर्कल कंप्लीट होगा, तो जब सर्कल इधर कंप्लीट होगा तो फोकस और सेंटर इधर ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर कहाँ पड़ता है, बीच में पड़ता है सर्कल के। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, ये सर्कल पीछे की तरफ ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पड़ेगा, पीछे की तरफ पड़ेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अब हम देखेंगे कि फोकस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, वो हम देखते हैं। देखो F क्या है, फोकल, F क्या है, फोकस या फोकल लेंथ, ओके। तो ये अगर फोकस लेंथ अगर हम देखें, फोकल लेंथ या फोकस देखें, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव कब होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगा, देखो कॉनकेव ये देखो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, तो कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, भाई कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होगा, क्योंकि इसका सर्कल इस तरफ कंप्लीट हो रहा है और पॉजिटिव एक्स किधर है, उसके साइड है, मतलब उस साइड है जिधर इसका फोकस पड़ रहा है, तो फोकस इसका किधर पड़ रहा है, पॉजिटिव एक्स में पड़ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी भी फोकल लेंथ देगा और बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है, तो हम पॉजिटिव 10 रखेंगे, +10 रखेंगे। अगर नेगेटिव, नेगेटिव कब लेंगे हम, देखो
कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर में हम पीछे की तरफ ऐसे सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक्स एक्सिस पीछे वाले एक्स एक्सिस पे कहाँ पड़ रहा है? फोकस पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फोकस पड़ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है कि ये पॉलिश्ड सरफेस किधर है? पीछे की तरफ है। दोनों शीशे में क्या है? पीछे की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है। तो अगर दोनों में शीशे में पीछे की तरफ पॉलिश सरफेस है तो इधर से होगा रिफ्लेक्शन, जिधर पॉलिश नहीं है, पॉलिशिंग नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा क्या रखेंगे कि शीशे के सामने रखेंगे, और शीशा का सामने किधर पड़ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। तो हम यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम इधर ही कहीं भी रख सकते हैं, इधर इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा शीशे के सामने हम रखेंगे, शीशे के सामने क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। और अब इमेज डिस्टेंस देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट हम अपने आप से रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा शीशे के सामने रखेंगे, लेकिन इमेज क्या है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन अपने आप से होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा, जैसे रिफ्लेक्शन होगा उस हिसाब से इमेज बनेगा। अब देखो इमेज इमेज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब शीशे के पीछे बनेगा। तो जब शीशे के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव इमेज बनेगी, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस उधर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इमेज जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा तो क्या होगा? एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्स नेगेटिव उसका वैल्यू होगा, किसका? इमेज डिस्टेंस का। तो एक बात देखो, अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो बिहाइंड द मिरर कौन सा इमेज बनता है? जो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। कभी भी रियल इमेज बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगा, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई किसकी? इमेज डिस्टेंस की, तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर नेगेटिव हुआ तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। और वो कैसा होगा? वो उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब देखते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखेंगे? हम कैसे सीधे रखेंगे ऑब्जेक्ट, ताकि उसका रिफ्लेक्शन सही आए। ठीक है, अगर हम उल्टा भी रखते हैं, अगर मान लो सर नीचे कर दें, तो भाई सर नीचे कर देंगे, तब भी तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी ऑलवेज, चाहे वो कैसा भी मिरर रहे। ठीक है, फिर क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज वही बात है कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो देखो पॉजिटिव अगर हाइट ऑफ इमेज हुई, अगर पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज हुई, मतलब ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो वो कहाँ बनेगा? वो कहाँ बनेगा? वो हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट है इमेज, ये इरेक्ट है इमेज। तो इरेक्ट इमेज कब बनता है? जब वो शीशे के पीछे बनता है, तो मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा वो। और वो हाइट कैसी होगी उसकी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हाइट नेगेटिव हुई, नेगेटिव हाइट का मतलब क्या हो गया? वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, उसका नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ गए? देखो क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड होने पे ही क्या होता है, इमेज हमेशा सामने बनता है और उल्टा बनता है, मतलब उल्टा बनता है, जिससे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो इतनी बातें थी मिरर और साइन कन्वेंशन में। अब देखो अगर मान लो अब क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में लिख देगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो कोई मिरर मैंने हमने पढ़ा है कि 15 सेंटीमीटर दिया, तो -15 रखेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन अगर इमेज बोल रहा है कि एन इमेज इज एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो +15 सेंटीमीटर होगा, चाहे वो कोई भी शीशा हो। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। समझ गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा पीछे बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा सामने बनेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पीछे बन रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे बनेगा। तो देखो ये प्रैक्टिस का है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। ये सारे चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे इसमें पुट करते हुए वैल्यू। ठीक है, देखो एक लास्ट पॉइंट कि इसको याद कैसे रखें, समझा? क्योंकि लेंस में क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। इसका फॉर्मूला कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो तो एक 3M वाला फार्मूला याद रखो, 3M वाला फार्मूला। 3M क्या है? मिरर मैग्नीफिकेशन माइनस। ठीक है, तो मिरर में मैग्नीफिकेशन कैसा होता है? माइनस
होता है, तो मैग्नीफिकेशन माइनस बी अपॉन यू होता है। और यही सेम उल्टा इसका क्या हो जाएगा, सेम उल्टा इसका यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो और लेंस में सही उल्टा हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इतनी बातें थी मिरर और साइन कन्वेंशन में, आगे हम और देखते हैं रिफ्रैक्शन और आगे लेंसेज भी हम देखेंगे, आज खत्म करेंगे चैप्टर। ओके, तो ये आगे का पार्ट है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, एक्चुअली हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे थे अब तक, कि जितना एंगल पे जाता है लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर आता है सेम मीडियम में, सेम मीडियम में क्या हो रहा था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मिरर है, मिरर है, इस मिरर में अगर कोई लाइट आ रही है तो सेम मीडियम में, ये मीडियम क्या है, मीडियम एयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, अक्सर एयर ही रहता है, तो एयर एयर है, यहाँ से एयर में ही जा आ रही है लाइट, एयर में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहीं पे फिर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके वो निकल जा रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से होता क्या है, अब मीडियम चेंज होने से होगा क्या कि स्पीड ऑफ लाइट, जैसे यहाँ लाइट आई, ये लाइट आई यहाँ पे इस मीडियम में, अभी पहले किस मीडियम में थी, एयर में, यहाँ हम लेते हैं पहला मीडियम हम ले लेते हैं एयर, ओके, दूसरा मीडियम हम ले लिए हैं वाटर, लेट से वाटर है या ग्लास है कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइट आ रही है और यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्या हो रहा है कि लाइट आके पड़ रही है और लाइट पड़ने के बाद क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब किसी ग्लास में या किसी भी आप देखते होगे कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी है और उसमें चम्मच रख दें, तो चम्मच रखने से क्या होता है कि हमारा चम्मच टेढ़ा सा दिखता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन वहाँ देखा जा सकता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये लाइट जब आती है एक मीडियम में, इस मीडियम मीडियम में जब आ रही है लाइट, तो मीडियम चेंज करते ही उस लाइट का क्या होता है, स्पीड में वेरिएशन होता है, स्पीड तेज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। देखो यहाँ ये नहीं है कि हमेशा स्पीड कम ही होगा, लोग सोचते हैं कि भाई हमेशा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब पतला, ठीक है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ओके, अगर हम पानी में से, अगर पानी में से लाइट को हम छोड़ें, पानी में टॉर्च डाल के अगर हम डालें और एयर में जब लाइट आएगा तो ये लाइट क्या होगा, ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जबकि अगर हम वाटर में जा रहा है तो लाइट क्या होगा, डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, तो उससे क्या होता है कि ये पाथ चेंज होता है, ओके, पहले ये जाने वाली किधर थी, इधर जा रही थी, लेकिन इसका पाथ चेंज होने की वजह से अब लाइट इस तरफ जा रहा है, ओके, लाइट इस तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पे आके जब इस मीडियम से होके बाहर निकलेगा तो ये इधर से निकल जाएगा, ओके, तो होता क्या है, इसमें भी दो लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है और दूसरा लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है कि जैसे ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होगा, वही सेम पॉइंट पे ही पड़ेगा, सेम प्लेन पे पड़ेगा, ओके, लेकिन सेकंड दूसरे में क्या है, दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें हम रेशियो लेते हैं, रेशियो क्या, लाइट स्पीड इन मीडियम वन एंड लाइट स्पीड इन मीडियम टू, ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम मीडियम वन में देखेंगे, इसका रेशियो लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू लेंगे, तो इसका जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ओके, ये हमेशा होगा कांस्टेंट, ओके, ये होता है हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा देगा, ठीक है, ये चीज क्या होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वन, इस तरह से लिखा जाता है, बच्चे इस चीज को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी बदलेगा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा भाई, वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम रहेगा, उसमें जो पानी तुम यहाँ लो चाहे कहीं भी लेके चले जाओ, चाहे वो धरती पे रहे या यूनिवर्स के किसी भी कोने में तुम लेके जाओगे पानी, पानी तो हमेशा पानी ही रहेगा, वो H2O से ही बना है, तो उसका वो कभी नहीं चेंज होने वाला है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं चेंज होगा, ओके, और ग्लास भी हो गया, तो ग्लास भी क्या है, ग्लास कहीं भी ले जाओ, उसका भाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कभी बदलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ देखो सेकंड क्या है, सेकंड लॉ जो है इसमें, उसमें है ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल का साइन है और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन है, इसका रेशियो जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ये स्नेल्स लॉ कहता है। अब देखो इसको हम लिख ऐसे सकते हैं, देखो ये जो चीज़ है ये टू रिस्पेक्ट टू वन है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि आई रिस्पेक्ट टू आर है, ठीक है, नहीं सॉरी, आर रिस्पेक्ट टू आई होगा, आर रिस्पेक्ट टू आई, ठीक है, मतलब कि इस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन,
ठीक है। अब देखो ये चीज यहां पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वन ऊपर है और जबकि यहां पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का ऊपर है, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का नीचे है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वन ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ टू नीचे है। अब देखो याद इसमें कुछ नहीं रखना कि भाई अरे ये ऊपर होगा उल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं याद रखना है। तुम बस ऐसे सिंपली याद रखो कि म्यू वन, मतलब यहाँ देखो मैंने म्यू वन लिया है, एन वन भी ले सकते भाई, कई जगह म्यू वन लिखा रहता है, म्यू लिखा रहता है, कई जगह एन लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो उसका कुछ इशू नहीं है, जो तुम लेना चाहो क्योंकि एनसीईआरटी एन वन मान रहा है तो यहाँ एन वन तुम लेके चलना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन इंटू साइन ऑफ आई रिफ्रैक्ट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू साइन आर। तो ये चीज है। अब देखो इस साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्स्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने पढ़ा है वी वन अपॉन वी टू, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एन वन इंटू वी वन इज इक्वल्स टू एन टू इंटू वी टू, मतलब एन वन का वी वन के साथ एन टू का वी टू के साथ, इतना ही तुम्हें याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एन वन साइन आई एन टू साइन आर, तुम्हें कभी पूछेगा कि साइन एंगल दे दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों दे दिया रहेगा, कोई एक चीज पूछ लेगा, मतलब चार चीज है, कोई तीन चीज देके एक चीज पूछ लेगा, यहाँ पे वेलोसिटी देके पूछ लेगा, ओके, वेलोसिटी किस चीज की वेलोसिटी है, यहाँ लाइट की स्पीड है, लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी देके पूछ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा देके जैसे भी वो क्वेश्चन बनाना होगा तीन देके एक पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम रेशियो भी लिख सकते हो, अब यहाँ से रेशियो तुम लिखोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, एन वन के नीचे एन टू आया, वी टू के नीचे वी वन गया, तो तुम्हें ये याद नहीं रखना कि भाई उल्टा चलेगा, कुछ नहीं तुम्हें याद रखना, बस ये चीज, ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो, बस इतने से काम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम आते हैं, देखो क्या होता है कि जब ये जाता है तो ये क्या हो रहा है, अगर वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर टू अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट हमेशा किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। अगर डेंसर में जा रहा है, अगर डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर अगर जाएगा, ठीक है, देखो ये चीज मिटा रहे, देखो अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब एक चीज देखो, ये जाने कुछ, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि ये लाइट जो है आ रही है, ये जाना किधर चाह रही है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन होता क्या है कि ये मीडियम आ जाने की वजह से ये नॉर्मल है, नॉर्मल से भाई इसकी स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, अगर डेंसर हुआ रेयरर हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगा कि ये नॉर्मल की टूवर्ड्स जाएगी, नॉर्मल की टूवर्ड्स जाएगी, तो ये जाना तो इधर जा रही थी, अब ये लाइट इधर जाना चाह रही थी लेकिन ये बेंड होगी इधर आई और फिर इमर्ज होके ये इसके पैरेलल ही होगी। देखो ये इमर्जेंट जो लाइट होगी, ये इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल जो होगी, इमर्जेंट रे जो होगी वो इस लाइट के पैरेलल होगी, इस लाइट की क्या होगी, पैरेलल होगी। जब इस लाइट के पैरेलल होगी तो हम इसका ये जो लेंथ परपेंडिकुलर, मतलब ये सीधा परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही क्या है, शिफ्ट है, इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं, पैरेलल शिफ्ट या डिफ्लेक्शन, ओके। तो इतनी बात है जो हमें जाननी थी रिफ्रैक्शन में, ओके। अब रिफ्रैक्शन में आगे हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन मिरर लेंसेज में कैसे होते हैं, सॉरी लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये चीज आगे हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन आगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ओके। तो इतनी सारी चीजें हैं, बाकी हम देखते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में, ओके। लेंसेज का ही हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। अब देखो दो लेंस होता है हमारा, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जो कि हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अब क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं ये हम अभी देखेंगे, और एक होता है कॉन्केव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों डाइवर्जिंग कहेंगे वो भी हम देखेंगे। अब देखो होता क्या है कि भाई ये है हमारा
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसे, क्या चीज़ है इसमें, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है? देखो ये अगर हम इसको इस साइड को एक हम ऐसे स्फेरिकल मिरर से काट रहे हैं, स्फेरिकल सॉरी स्फेरिकल ग्लास से काट रहे हैं, तो इतना काटे तो इतना पार्ट उठाए और हम यहाँ ऐसे रख दिए, फिर इतना ही साइज का एक और पार्ट हम इधर से काटे और इधर हम लगा दिए, दोनों को जोड़ने के बाद ये एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है। ओके, और इसी को अगर हम पलट के ऐसे जोड़ेंगे, पलट के हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये कॉनकेव लेंस बन जाएगा। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है कि देखो इसमें दो फोकस है, दो दो फोकस है और दो 2F मतलब दो सेंटर ऑफ सेंटर है, इसको 2F बोलते हैं। F का डबल क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक चीज़, इसका क्यों एक एफ इधर दो एफ क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एक जो स्फेरिकल अगर हम इसको पूरा करेंगे सर्कल तो वो इधर है। ओके, मैंने बताया भी है कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में भी कि क्यों इधर से ही क्यों ये फोकस पड़ता है सेंटर में, इधर पड़ता है क्यों, क्योंकि भाई हमारा क्या हो रहा है, सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, तो सर्कल इधर जब कंप्लीट होगा तो सेंटर, भाई कोई सर्कल ऐसे है तो इस सर्कल का सेंटर इधर ही आएगा, सेंटर बीच में आएगा। ओके, तो ये सर्कल जिधर कंप्लीट होगा उसी साइड क्या होगा, सेंटर आएगा, तो ये सेंटर यहाँ है और इस सेंटर का आधा, सेंटर और सेंटर से और पोल तक की दूरी के बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं। अब देखो ये एक ऐसे बन रहा है और दूसरा एक सर्कल इस तरफ से बन रहा है, इसी वजह से क्या है यहाँ पे दो फोकस है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर या दो फोकस हम कहेंगे, ठीक है, इसको 2F से हम डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे F1, इसको F2, इसको 2F2 और इसको 2F1 कहेंगे। अब देखो ऐसा क्यों, F1 F2 देखो है दोनों सेम सेम चीज़ है, मतलब क्यों, सेम सेम ग्लास है, सेम रेडियस है, इसलिए हम लोग इसको FF पहले मैंने लिखा था, तो लिख सकते हैं FF। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे NCERT में F1 F2 लिखा हुआ है तो ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं। ओके, अब देखो इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे है, तो ये लेंस क्या है, लेंस में मैंने बता रखा है कि कॉनकेव मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर में भी कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, अपैरेटस अपर्चर है, ठीक है, इसको अपर्चर बोल लो या लेंस बोल लो, हम लोग वहाँ अपर्चर बोलते थे। अब यहाँ पे ये पोल है, सेंटर ऑफ अपर्चर या सेंटर ऑफ लेंस क्या है, पोल कहलाएगा। ओके, और उसके बाद ये फोकस, ये 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस 2F, F और पोल तीनों से होके पास करेगा। ओके, ये पूरा तीनों से होके पास करेगा। अब देखो अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट ले जाते हैं तो ये लाइट क्या होगा, यहाँ से बेंड होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से होके जाएगा ये लेंस में। ओके, उसमें क्या होता है, रिफ्लैक्ट होके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर में रिफ्लैक्ट होके आ रहा था और इसमें रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है, आगे वाले फोकस से होके जा रहा है दूसरे वाले। फिर दूसरा चीज़ क्या है, अगर लाइट हम फोकस से लेके जाएंगे, अगर लाइट हम फोकस से लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, लाइट पैरेलल हो जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई, तीसरा ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम लाइट पोल से होके होते हुए ले जाएं, पोल से मतलब यहाँ से सेंटर एकदम सेंटर ऑफ लेंस से होके लेके जाएंगे तो ये लाइट क्या होगा, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधे की सीधे वैसे ही ऐसे आगे बढ़ते हुए चली जाएगी, ठीक है। सेम तरह का कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब देखो अब क्यों इसको इसको क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कि लाइट जा रहा है और कहाँ रिफ्रैक्ट होके बेंड हो रहा है, बेंड किधर हो रहा है, फोकस पे। अगर हम एक और लाइट ऐसे ले जाएं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये भी तो बेंड होके इधर ही से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो जितनी भी लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, कितनी भी लाइट हम हजार करोड़ जितने भी लाइट अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे वो कहाँ जाएगी, फोकस पे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, रिफ्रैक्ट होके फोकस पे जाएगी। तो यहाँ लाइट क्या हो रही है, ऐसे आ रही थी पैरेलल, अब क्या हो रहा है, इसका कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो ये लाइट क्या हो रही है, एक जगह जाके मिल रही है, तो ये एक जगह जाके लाइट जब मिलेगी तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसी वजह से इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो बच्चे कहते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर जो है वो कौन है,
कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ यूं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ से जा रही थी, फोकस से होके जा रही थी, ओके, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट फोकस से होके जा रही है, ठीक है, तो ये फोकस से होके लाइट चली गई और कन्वर्ज हो रही है, कहाँ से, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है। मैंने ये पढ़ा रखा है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी और फोकस पे होके जा रही है, और लेंस में, इस लेंस में, कन्वेक्स लेंस में ये कन्वर्ज होके जा रही है, ठीक है। नाम कन्वेक्स इसका क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ ऊपर वाले सर्फेस से, ऊपर वाले सर्फेस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ऊपर वाले सर्फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाला सर्फेस ऊपर फ्रंट पे है, ठीक है। और यहाँ पे कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे बस काम बदल गया, यहां कन्वर्ज कर रहा था, यहां पे डाइवर्ज कर रहा है, और यहां पे भी ये गुफा, गुफा वाले साइड से ही क्या हो रहा है, गुफा वाले साइड से ही यहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और यहां रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ओके, तो ये चीज है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। अब देखो, अब ये कन्वर्जन वाली बात हो गई, अब देखो इसमें अगर हम कॉनकेव लेंस में देखेंगे तो यहां पे कैसे होता है रिफ्रैक्शन, देखो अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो वो क्या होता है, दूर होते हुए जाता है, क्यों, क्यों, ये इसका रिफ्रैक्शन इसको क्या करता है, दूर ले जाता है, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाता है, ठीक है। लेकिन ये पीछे हम देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के कितने भी, जो जितने भी लाइट अगर हम पैरेलल ले आए, कितने भी लाइट पैरेलल ले आएंगे, तो वो क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज होगा और पीछे कहाँ काटते हुए दिखेगा, वो फोकस पे काटते हुए दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि पोल से कोई भी लाइट, कोई भी लेंस रहे, अगर पोल से कोई लाइट आती है तो वो सीधे की सीधे निकल जाएगी, उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है कि अगर लाइट लग रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है तो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी अगर वो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ अगर जा रही है तो वो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों में लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है। देखो ये बेसिक्स है, अगर ये बेसिक्स नहीं क्लियर है कि भाई लाइट आ रही है और जा कहाँ से रही है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो तुम नहीं बना पाओगे फिगर, ठीक है। तो फिगर देखो, अब हमें पढ़ना है कि कन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में कहाँ कहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ओके। तो जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, वैसे ही हमें लेंसेज में भी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंस में कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम 6 जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट मिरर में क्या था कि मिरर में एक तरफ से क्या था, पॉलिश्ड था। तो जब एक तरफ से पॉलिश्ड था तो उसमें क्या होता था कि हम हमेशा मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रख पाते थे, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रहा, अगर लाइट इधर से भी आती है, अगर लाइट इधर से भी आती है तो इधर से निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कल क्वेश्चन एक आ जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो आप कह दो कि इसका तो बनेगा ही नहीं क्योंकि हमने हमेशा इधर से पढ़ा है, तो ऐसा चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर भी है या इधर भी है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है रिफ्रैक्शन अगर ये लाइट इधर से आएगी तो नहीं होगा, होगा वो उस हिसाब से अपना होगा, अगर पैरेलल आ रही है तो फिर इधर फोकस से जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम जैसे वहाँ पे 6 जगह रख सकते थे कॉनकेव मिरर में, यहाँ पे भी लेंस में हम 6 जगह रख सकते हैं। अब देखो 6 जगह कौन कौन से रख सकते हैं, पहला क्या है कि पोल और फोकस के बीच में, दूसरा है फोकस पे, तीसरा है फोकस और 2F के बीच में, वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, सॉरी चौथा जगह है कि 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर पाँचवा है बियॉन्ड 2F के पीछे और इन्फाइनाइट के बीच में, और सिक्स्थ पे है एट इन्फाइनाइट मतलब इन्फिनिटी पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे बनेगा, ठीक। ये 6 जगह है, अब इस 6 जगह को हम बनाएंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है लिखना, अगर क्वेश्चन आता है कह देता है कि सिर्फ बनाओ, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से कह दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है फोकस पे, आप उसका मिरर सॉरी रिफ्रैक्शन लेंस में बना के दिखाओ, इमेज बना के दिखाओ, तो ऐसा होगा कि आप अगर बना रहे हो इमेज, पहली बात तो आप स्केल से नाप के बनाओगे। स्केल से क्यों मैं बोल रहा हूँ, स्केल से जब तक आप नापोगे नहीं तब तक आपका इमेज सही जगह नहीं बनेगा, ठीक है। आप कॉपी में बना रहे हो, मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ, बोर्ड पे मैं कैसे नाप के बना दूँ, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सही बने,
तो आप जितना ये फोकस लोगे उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से रहेगा। सेम उस तरह से इधर भी हम नाप के बनाएंगे, ठीक है। लेंस तो आप हाथ से ही ड्रॉ करोगे। अब देखो होता क्या है इसमें कि अब देखते हैं, देखो हमें पैर बनाने का कोई चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पैर इसी पोजीशन पे रहेगा, इसी लाइन पे रहेगा, इसी पोजीशन पे नहीं रहेगा, सॉरी इसी लाइन पे रहेगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पैर बन रहा होगा, इतनी बात हमें पता है। तो हमें अगर सर बना दे, मतलब अगर हम किसी भी व्यक्ति का सर और पैर देख लें तो इसका मतलब क्या है, पूरा बॉडी देख लेते हैं। तो हमें उसका सर का बनाना है, रिफ्रैक्शन करके उसका इमेज बनाना है। तो रिफ्रैक्शन करके इमेज बनाना है जब, तो हमें कम से कम दो लाइट चाहिए होती है, क्योंकि वो दो लाइट क्या होगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर उस चीज़ का इमेज बनेगा। कोई भी चीज़, चाहे वो सर हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, आँख हो गया, हाथ हो गया, तो किसी भी चीज़ का अगर हमें रिफ्रैक्शन दिखाना, मतलब अगर हमें इमेज बनाना है, तो मिनिमम दो लाइट चाहिए, मिनिमम दो लाइट। मैक्सिमम तो वहां से निकल ही रहा है, मैक्सिमम तो पता नहीं कितनी निकल रही है, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकल रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो इस पॉइंट का अगर हम सर का लेंगे तो एक लाइन हम ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि पोल से होके अगर हम निकालते हैं तो वो लाइट किधर से जाती है, मैंने बताया अभी कि पोल से अगर होके जाएगा कोई लाइट तो वो क्या होगा, जैसा जा रहा है वैसे ही वो चलता हुआ चला जाएगा। अब देखो ये जब रिफ्रैक्ट हुई लाइट, एक फोकस से होके गई क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, दूसरा पोल से होके सीधे निकल गई, तो ये लाइट क्या हो रही है, दूर जाते हुए दिख रही है। मतलब ऐसे बनाओगे अगर तुम उसमें नाप के बनाओगे इमेज तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये दोनों लाइट वैसे भी दिख रही होगी कि ये लाइट इस तरफ जा रही है और ये लाइट इस तरफ जा रही है, तो ये कभी नहीं मिलेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पैरेलल लाइट को तो हम बोल भी देते हैं कि पैरेलल लाइट कहीं जाके इनफाइनाइट पोजिशन पे कट करेगा, बट ये लाइट दूर जा रही है तो ये कभी नहीं कट करेगा, ठीक है। तो दूर जाते हुए लाइट कहाँ पे कट करती हैं, वो पीछे कहीं कट करती हैं, ठीक है। तो ये कहीं पीछे कट करते हुए यहाँ पे दिखेगा या इंटरसेक्ट होते हुए दिखेगा। तो जहाँ इंटरसेक्शन हुआ, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हुआ, उस चीज़ का वो इमेज बन जाएगा। तो पैर उसके ही सिधाई में कहीं इसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो ये पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द लेंस कभी भी रहे, ये बात हमेशा नोट कर लो, इन फ्रंट ऑफ द लेंस या इन फ्रंट ऑफ द मिरर कभी भी इमेज बना तो वो कभी भी रियल इमेज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गया, ठीक है। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गया। दूसरा क्या, इनलार्ज्ड बनेगा, इससे बड़ा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बनेगा, ठीक है, इससे पीछे बनेगा, इससे दूर वाले पोजीशन पे बनेगा, तो ये हमेशा इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, तो इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। फिर क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब मैंने बताया इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इनलार्ज, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। फिर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से पैरेलल लाइट गई तो वो फोकस से कट करते हुए निकलेगी, ऐसे जा रही है, यहाँ से फोकस से कट करते हुए जा रही है, और एक दूसरा पोल से करते हुए अगर हम ले जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये दोनों लाइट क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइट पैरेलल जाती है। तो अभी मैंने बताया कि पैरेलल लाइट कहाँ कट करती हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पे कट करती है। तो इनफाइनाइटली पोजीशन पे जब ये कट करेंगे मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइटली पोजीशन पे बन रहा है, तो ये हाईली इनलार्ज्ड होगा। भाई अगर कहीं जाके बन रहा होगा तो वो इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाके वो कट रहा होगा, मतलब डिस्टेंस में देखेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनता है। ओके, तो ये और बनता कहाँ है, हाँ, एट इनफाइनाइट पोजीशन पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफ द लेंस बन रहा है, पहला चीज़। दूसरा ये है कि देखो ये नीचे कहीं कट करेगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कहीं कट करेगा, तो इमेज किसका बनेगा, सर का बनेगा, ठीक है, तो उल्टा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो बिटवीन फोकस एंड पोल, सॉरी 2F अगर है तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पैरेलल लाइट ले गया, फिर वो वही बात फोकस से होके गया, दूसरा लाइट हम ले गए प्रिंसिपल पोल से, तो पोल से होते वो सीधे निकला, और ये जाके कट करेगा बियॉन्ड 2F, मतलब बियॉन्ड 2F, मतलब 2F के पीछे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरा इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है, ये तीन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 2F पे, अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है तो 2F पे ऑब्जेक्ट होने से क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले गए, ठीक है,
तो ये पैरेलल लाइट गया और ये फोकस से होके गया। यहाँ पे देखो मैंने दूसरा, या अभी तक हम पोल से ले जा रहे थे, यहाँ भी हम पोल से ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दूसरा एक लाइट ले रखा है जिससे आपको और समझ में आएगा कि यहाँ से अगर लेके जाएँ लाइट तो क्या हम करा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, हम ज़रूर करा सकते हैं। देखो ये फोकस से होके गया, फोकस से होके गया तो ये क्या हो जाएगा, लाइट पैरेलल हो जाएगा। मैंने बताया कि ये लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल जाएगा और ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जो जा रही है वो फोकस से होके जाएगी। दोनों लाइट जहाँ जाके कट करेगी वो पोजीशन होगा 2F के नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है जितना साइज इसका होता है सेम साइज का बनता है, ठीक है, बनता कहाँ पे है, 2F पे बनता है। फिर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वो दिख ही रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो 2F पे, तो देखो अब तक हमने कॉन्वेक्स लेंस देखा है, कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 जगह रख के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, उसका इमेज बनाया। अब देखो कॉन्केव लेंस रखने, तो हम भी यहाँ पे भी 6 जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी पे। लेकिन हमारे लिए कॉन्केव लेंस में दो ही जगह, दो ही पोजिशन इंपॉर्टेंट है, वहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट दो जगह कौन कौन से हैं, वो पहला तो है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F, फोकस और 2F के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या, अब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैंने बताया कि अगर लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो, पहली बात तो ये डाइवर्जेंस है इसमें, तो डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा तो वो पीछे कहीं काटते हुए दिखेगी, ठीक है, ऐसे पीछे कहीं काटते हुए कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, जहाँ से भी जाएगी वो फोकस होगा। दूसरा लाइट क्या है कि अगर हम पोल से ले जाएंगे, यहाँ से कट करके पोल से ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कट करके अगर हम पोल से ले जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे लाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इमेज यहीं पे बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है किससे, इमेज डिस्टेंस से, तो इमेज क्या होगा, छोटा ही बनेगा, तो इमेज क्या है तुम्हारा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है यहाँ पे, इमेज कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ रुकना तो इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ लेंस बनने की वजह से क्या होगा, ये इमेज कैसा होगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, इमेजिनरी होगा। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखो यहाँ से लाइट कैसे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, और ये डाइवर्ज होगा, और पीछे कटते हुए कहाँ दिखेगा, फोकस पे दिखेगा। देखो पहला ऐसा इमेज है जो फोकस पे बन रहा है, अभी तक हम जितना भी फोकस पे इमेज बन रहा था वो हम देख रहे थे कैसा बन रहा था, वो ऐसा हो रहा था कि वो तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, बट यहाँ पे क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब देखो एट एफ पे बना गया लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, वो डाइवर्ज हुआ, और पीछे कटते हुए दिखेगा कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। तो बहुत डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज इमेज, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है, और एट एफ बनेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें लेंस में पढ़ना था, अभी तक क्या क्या कर, रिफ्रैक्शन में कैसे इमेज बनता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में। अब देखो आगे टॉपिक है लेंस फार्मूला। जैसे हमने मिरर फार्मूला में पढ़ा था कि 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, तो उसमें प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/f = 1/v - 1/u है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन v/u होगा, +v/u होगा, यहाँ -v/u नहीं होगा, और यहाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो बहुत लोग क्या होता है, कन्फ्यूज करते हैं, मिरर फार्मूला को लेंस फार्मूला में लिख देंगे और लेंस फार्मूला को मिरर फार्मूला में लिख देते हैं। तो उसको याद करने का मैंने एक, मतलब छोटा सा तरीका है, देखते हैं आपको कितना मदद करता है वो। अब देखो मिरर है, अगर मिरर है तो मिरर से मतलब M से मिरर, M से माइनस और M से मैग्निफिकेशन,
ठीक है। तो ये तीन एम याद रखना है, मिरर में क्या माइनस एम से माइनस और तीसरा मैग्निफिकेशन। तो मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस में रहता है, तो यहाँ क्या होगा, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होगा, किसमें, मिरर में। लेकिन लेंस में क्या है, प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और अगर ये माइनस में है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो तीन एम, ये माइनस माइनस मिरर माइनस मैग्निफिकेशन, मिरर माइनस मैग्निफिकेशन, हम तीन चीज यहाँ पे याद रखेंगे। मिरर में क्या होता है, मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस यू होगा, वन अपॉन यू होगा। और लेंस में क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होगा, ये माइनस में है तो इसका उल्टा यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ उल्टा माइनस में होगा, ठीक है। आई गेस इतना तो हेल्प कर देगा, ये इतना सा ही हेल्प चाहिए, क्योंकि हमें भाई अगर ये याद पड़ गया, किसी एक का याद पड़ गया तो हमें पता है दूसरा चीज़ क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। अब देखो इसके आगे आता है साइन कन्वेंशन। ये देखो, ये जो लेंस के फॉर्मूले या मिरर के फॉर्मूले होते हैं उसमें क्या होता है कि साइन के साथ हमें वैल्यू रखनी होती है। अगर हम साइन के साथ वैल्यू नहीं रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा इमेज, कैसे बनेगा इमेज, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन में जैसे हम पहले मिरर में पढ़े थे कि चार क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिरर रख दिया कर रहे थे, यहाँ पे हम मिरर रख दे रहे थे, तो मिरर क्या, कॉनकेव मिरर यहाँ पे या कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे रख दे रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था, ये हमारा क्या है, एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये पोल, या देखो इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इसमें पोल कहते हैं, या पोल लेंस में पोल भी कह सकते हो या ऑप्टिकल सेंटर, बाकी मिरर में पोल ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, 0,0 होगा। तो अगर हम इधर जाएंगे, अगर आगे की तरफ जाएंगे तो इस तरफ हमें पता है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, क्यों, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स पॉजिटिव एंड वाई क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर ही, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ याद नहीं कर सकते कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे है, ये किधर है, ठीक है। बट अक्सर हम क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हमारा लेंस है तो इस साइड ही हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, हम इस साइड ही रखेंगे। तो इस तरफ क्या है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे लाइट गई और कन्वर्ज हुआ आगे की तरफ जाके, ये फोकस से होके जाएगा, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन दे देता है, फोकस दे देगा कि फोकस क्या है, पॉजिटिव है, तो बताओ कौन सा लेंस है, ऐसे भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखो अगर फोकस क्या है, पॉजिटिव है, अब क्यों पॉजिटिव है वो मैंने बताया, पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से फोकस से होके जा रही है, वो आगे फोकस आगे वाले फोकस से होके जा रही है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स। अगर फोकस क्या है, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर फोकस नेगेटिव है तो क्या होगा। देखो हम पढ़े हैं कि कॉन्केव लेंस में क्या होता है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा और पीछे आते हुए कहीं कट करेगा, और जहां कट करेगा वही क्या होगा, फोकस होगा। तो यहां पे क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अगर हुआ तो कॉन्केव लेंस, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अगर इमेज डिस्टेंस हम देखते हैं, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव हुआ तो हम हमेशा बोलेंगे क्या कि वो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर क्या है, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इधर कहीं इमेज बन रहा है, इस तरफ कहीं एक्स डिस्टेंस में इमेज बन रहा है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव,
ठीक है। या देखो नेगेटिव या पॉजिटिव हम ले सकते हैं, अगर हम इधर रख रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर रख रहे हैं तो नेगेटिव हुआ, बट अक्सर हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, इधर ही रखते हैं, तो इस वजह से हम ऑलवेज यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा होगा, बट नहीं, इसमें क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। उधर हम रख दिए तो पॉजिटिव हो गया, बट इधर ही हम अक्सर हम हमेशा रखते हैं इधर, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फोकस पता चल गया, ये पता चल गया, ये हो गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, ओके। अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो मतलब क्या है, ऊपर की तरफ है, वाई, ये पॉजिटिव हमेशा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो इतना ही है। साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे। एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये फोकस, सॉरी, ये जितना इंपॉर्टेंट है, इस आप जब क्वेश्चन लगाओगे ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सारी चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन, ये हो गए, ठीक है। आई गेस अब इसके बाद सिर्फ बचा है हमारा पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसका फोकस कहाँ पे है, ठीक। अगर फोकस जितना हमारा, अब तुम खुद सोचो कि अगर फोकस जितना छोटा होगा, ठीक, क्या होता है, इसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू 1/f। फोकस जितना छोटा होगा, कम होगा, उतना क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, पावर, जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस के, ठीक है, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फोकस के। तो अगर जितना फोकस घटेगा उतना ही पावर क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गए। तो अगर इसीलिए देखते होंगे कि पावर अगर कम है तो मतलब 0.25 है या 0.3 है, तो भाई उनके में क्या है, पावर बहुत ज़्यादा है। आँखों में भी हम देखते हैं, आँखों में भी ये लेंसेज लगते हैं, आँखों में ही ये लेंसेज लगते हैं, जब हमारी क्या हो जाती है, दूर या पास के देखने की क्षमता कम हो जाती है, तो इन्हीं दोनों लेंसों में से कोई हमारा एक लेंस लगता है। अब वो हम देखेंगे कि कौन सा लेंस लगता है, कि अगर हमें दूर का नहीं दिख रहा है या पास का नहीं दिख रहा है, वो बाद की बात है, वो आई चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारा क्या है कि हम पढ़े हैं कि फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये इस तरह से है लेंस, लेंस में हम देखते हैं ये अगर क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है तो फोकस क्या होता है, इस तरफ, ये पैरेलल लाइट अगर आया तो पैरेलल लाइट किधर से रिफ्रैक्ट होके आगे वाले फोकस से जाता है जो कि पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो इसलिए फोकस क्या है, पॉजिटिव है। इस वजह से पावर क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस में यही फोकस क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से क्या होता है, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है पावर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है ऐसे कि कॉनकेव लेंस है जिसका पावर है 2.2 सेंटीमीटर, लेट से 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका पावर कितना होगा। देखो देखो क्वेश्चन दे दिया है कि कॉनकेव लेंस है और 2 सेंटीमीटर, तो तुम सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं कि पावर जैसे देखते हैं फोकस, P इज इक्वल्स टू 1/f, फार्मूला लिखेंगे 1/2 लिख के हम यहाँ से लिख देंगे 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, 0.5 डायोप्टर हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस का 2 सेंटीमीटर है फोकस, ठीक है, तो हम लेंगे क्या, ये फोकस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये फोकस क्या है, फोकस क्या है, नेगेटिव -2 सेंटीमीटर हम लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉनकेव लेंस है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कॉनकेव लेंस का 2 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, -2 हम फोकस लेंगे, जिससे ये -0.5 डायोप्टर आएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर बहुत सारे लेंसेज क्या है, लाइन से ऐसे सजा के रख दिए गए हैं, लाइन से सीरीज में रख दिए गए हैं, तो इनका
पी रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट पावर क्या होगा, तो वो क्या होता है कि सीधे सीधे सम कर दो, इसका जो पावर है वन अपॉन एफ पी एफ वन होगा, इसका वन अपॉन एफ टू वन अपॉन एफ थ्री, तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर कर देंगे, तो मतलब इसका क्या हो गया, अगर हम लिखेंगे अगर f के फॉर्म में लिखेंगे तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री प्लस वन अपॉन एफ फोर, ठीक है, ऐसे करते हुए आगे हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी जाता है, एक नंबर या दो नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, कि एक नंबर में ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप में ही, कि अगर वो ऐसे रख दिया गया है तो उसका लिख दो रिजल्टेंट पावर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो मैं बना के दूंगा, उसमें होगा कि रामबाण तरीका जो मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बनाया था, वही कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी मैं बनाऊंगा, और दोनों वीडियो को जोड़ के मैं एक साथ उसको डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम भाई बाय हार्ट एक बार, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखें, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।